बड़ा गांव जुलूस अलविदा में उस्मान अली का नौहा सुन खूब रोए आजादार आस्टरिस्क। प्रयागराज करैली थाना क्षेत्र के सैदपुर में अंजुमन कमर ए बनी हाशिम की ओर से जुलूस अलविदा में मुल्क की मशहूर और मारूफ अंजुमनों ने अयाम अजा के अंतिम बचे दिनों में जमकर नौहा पढ़ा व मातम किया। काशा ने सैयद गुलाम हैदर मरहूम के अजाखाने पर हुए मातमी कार्यक्रम में इरफान रिजवी की मुनाजात से आगाज हुआ। शहनशाह सोमवी ने सोजवा सलाम पढ़ा। खतीब दांदुपुरी ने पेशकवानी तो कुम ईरान के मौलाना राशिद हुसैन रिजवी साहब के बुला व डॉक्टर सैयद रिजवान हैदर रिजवी ने जुलूस अलविदा में दर्दनाक तकरीर कर माहौल को संजीदा बना दिया। संचालन नजीब इलाहाबादी, वसीम अंबर और जाहिद रजा ने संयुक्त रूप से किया। अंजुमन मखदूमिया, अंजुमन अस्करिया कदीम, अंजुमन अब्बासिया दांदुपुर, अंजुमन अब्बासिया अहले सुन्नत बड़ा गाँव कौशाम्बी, अंजुमन मुहाफिज आजाद दरियाबाद, अंजुमन मजलूमिया रानी मंडी, अंजुमन हाशिमिया दरियाबाद, अंजुमन अब्बासिया रानी मंडी ने गमगीन नौहों के द्वारा करबला के शहीदों की याद ताज़ा करते हुए पुरसा पेश किया। ताबूत अलम जुलजना हमारी आदि तबर्रुकात की जियारत को शहर व आस पास के गाँव से भारी संख्या में कीर्तमन जुटे। इमामबाड़ा सैयद हातिफ हुसैन से देर रात निकला जुलूस अलविदा या हुसैन। शाहगंज के शाहनूर अली गंज में इमामबाड़ा स्व सैयद हातिफ हुसैन से ऐतिहासिक जुलूस अलविदा या हुसैन अकीदत व एहतराम के साथ निकाला गया। इमामबाड़े में जरखेज नजीब ने मजलिस को खिताब करते हुए गमगीन मसाइब पढ़े। अदीब रजा व हबीब रजा की क्यादत व नजीब इलाहाबादी के संचालन में एक एक अंजुमनों ने इमामबाड़े में एक नौहा पढ़ते हुए जुलूस निकाला। जो इमामबाड़ा असद रजा बेग देर रात पहुंचा, वहीं पर अंजुमनों ने अलविदा नौहा पढ़ा। जुलूस में अंजुमन मजलूमिया, शब्बीरिया, हुसैनिया, हाशिमिया, नकबिया, अब्बासिया व अंजुमन बुचाई कासिमिया ने शिरकत की। जुलूस में शामिल ताबूत अलम जुलजना व ताजिया के साथ सभी तबर्रुकात को लेकर अंजुमन बुचाई कासिमिया जुलूस में करबला में सोने वालों महापारों अलविदा की सदाओं के साथ जुलूस को इमामबाड़ा असद रजा बेग में संपन्न कराया। शायर अहलेबत मुअज्जम पाशा के अजाखाने पर भी अंजुमन ने वापसी में नौहा पढ़ा। जुलूस से पहले दायरा शाह अजमल में स्वनूर रिजवी के आवास पर सालाना मजलिस हुई। फैजान आबदी ने मरसिया तो कुमैल व असद ने पेशकवानी की। मौलाना अख्तर हसन रिजवी साहब के बुलाने मजलिस को खिताब किया। अंजुमन बुचाए कासिमिया ने नौहों और मातम का नजराना पेश किया। फैजी तंजानिया ने दूर देश अफ्रीका से मातमी लोगों का लाइव देखने के बाद शुक्रिया अदा किया। शहनशाह फतेहपुरी ने तबर्रुकात तकसीम किए। नम आँखों से यमुना नदी में सहराए ताज़िए व फूल। दायरा शाह अजमल में इमामबाड़ा अब्बन साहब मरहूम के अजाखाने में रखे ताज़िए व फूलों को पुरानी रवायत के मुताबिक इमामबाड़े की चौथी पीढ़ी के मौजूदा सरपरस्त अस्करी अब्बास के साथ नौहों और अलविदा मातम के बीच ताज़िए व फूलों को यमुना नदी की बीच धारा में नाव से जाकर सहराया गया। काले कपड़े पहने अजादार आँखों में इश्कों का नजराना पेश करते हुए रोते रहे। खबर जगत के लिए एलन सिंह की रिपोर्ट।